एक वादे की बात, वादा जो किया वो निभाना पड़ेगा। ये कहा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने कर्नाटक की एक सभा में सीएम जबड़ी सीएम के सामने कहा कि कांग्रेस नेता बेहिसाब चुनावी गारंटियां ना करें, क्योंकि कर्नाटक में गारंटी तो दे दी, अब पैसे नहीं है और सरकार को एक गारंटी वापस लेनी पड़ रही है। खड़गे ने महाराष्ट्र में भी बजट देखकर ही चुनावी वादे करने की बात कही है। अब कांग्रेस की तरफ से जैसे ही वादा पूरा न कर पाने का कबूलनामा आया, तुरंत बीजेपी ने इसे लपक लिया और पीएम मोदी ने भी खड़गे के बयान पर तंज का तीर मार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि झूठे वादे करना तो आसान होता है लेकिन उसे पूरा करना असंभव। कांग्रेस ये अब जान चुकी है, तो आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मतदान के 3 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और ऐन वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी फटाफट पॉलिटिकल स्कोरिंग में जुट गई। कैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 आए। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब मेरी गारंटी है जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। मोदी जी खटाखट 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 बोलने शुरू कर दिए। गारंटियों और असली गारंटियों वाली इसी सियासत में खड़गे ने अब ऐसी सच्ची बात कह दी जो सियासत के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूं तो कर्नाटक के हालात पर बात कर रहे थे लेकिन उसमें महाराष्ट्र का जिक्र करके उन्होंने सियासत का सिरा चुनावी राज्य महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि कांग्रेस नेता बिना बजट देखे गारंटी वाले वादे न करें। कर्नाटक में 5 में से 1 गारंटी रद्द करनी पड़ रही है। बिना बजट के वादे करने से दिवालियापन होगा, वादे पूरे नहीं किए तो 10 साल तक सत्ता नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में बजट के आधार पर ही वादे करेंगे। ना निम्ग अनुकरण ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಭಾರತ ಕಿ ರಾಜನೀತಿ ಮೇ ಏಕ ನಯಾ ಶಬ್ದ माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था उसका खटाखट का क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5 ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ। ಇವತ್ತು ಆಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇ ಅಪ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಜೋ ಹೋತಾ ರಹಾ ಹೈ ವೋ ಜನತಾ ಕಿ ಆಂಗೋ ಮೇ ಧೂಲ್ ಝೋಕ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ರಹಿ ಹೈ। ಕ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹಬ್ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗೇಂಗೆ ಜೋ ತೆಲಂಗಾಣಾ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಜೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಜೋ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सीमित वादों पर सियासी सलाह तब आई है जब हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक कांग्रेस ने धुआंधार वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन अब उन वादों को पूरा करने में सरकारों के पसीने छूट रहे और कांग्रेस को अपने चुनावी वादे रद्द करने पड़ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। सबसे ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी, याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? दरअसल चुनावी राजनीति में वायदों की रेवड़ियों वाली रवायत नई नहीं है लेकिन सत्ता की ललक में जब बेहिसाब वादे होने लगे सूबों के खजाने सरेंडर करने लगे। मसलन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी,
जबकि 40% बजट केवल वेतन पेंशन पर ही खर्च हो रहा है। 94,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे राज्य पर 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी जिसे 59,000 करोड़ खर्च करके पूरा करने में राजस्व घाटा बढ़कर 1,14,000 करोड़ पार होने का खतरा है। 5,00,000 करोड़ के कर्ज से जूझती कर्नाटक सरकार अब चुनावी वादे अधूरे छोड़ रही है और तेलंगाना में 6 गारंटियों को पूरा करने के लिए 53,196 करोड़ रुपए चाहिए। मजबूरन कांग्रेस सरकार महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन और इंद्रम्मा घर जैसे वादे अधूरे छोड़ रही है और इन्हीं चुनावी वादों को अधूरा छोड़ने पर हो रही बदनामी का अंदाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है और महाराष्ट्र में बेसिर पैर के वादे करने की बजाय जमीनी हकीकत और खजाने का ख्याल रखते हुए चुनावी गारंटियां देने की बात कही है। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते इसी खबर पर। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, इस मुद्दे को लेकर पीएम ने कई बार चर्चा की, उन्होंने अक्सर कांग्रेस पार्टी को घेरा है, लेकिन जब कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद ही कह रहे हैं कि भाई आप लोग सोच समझकर वादे किए पूरे नहीं कर पा रहे, ऐसे में पीएम ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बड़ा मुद्दा इसलिए भी बनाया क्योंकि कर्नाटक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा कि सोच समझकर जो है वो गारंटियों की घोषणा कीजिए, नहीं तो कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाती और महाराष्ट्र को भी इस तरीके से करना चाहिए, वो घोषणा ही करनी चाहिए जिसको पूरा किया जा सके। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ही अपनी राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठाए, अपनी पार्टी की घोषणाओं पर सवाल उठाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रहार करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं तो वो फुट पर आकर राजनीति करते हैं और आज उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा कि चाहे कर्नाटक हो या तेलंगाना या हिमाचल में जिस तरीके की प्रॉमिसेस वादे करके सरकार गई थी जिन योजनाओं के लिए, वो पूरे नहीं हो पाई हैं उनका, और कहीं ना कहीं उन योजनाओं को पूरा नहीं किया गया और हिमाचल का उन्होंने स्पेशल जिक्र किया, हिमाचल में सरकार के अधिकारियों को उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अच्छी स्कीमें उनको भी वापस लिया जा रहा है, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है अगर आप उनको बिना सोचे समझे वोट दे रहे हैं, उनके वादों पर वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस अगर शासन में आती है तो इसी तरीके से देखने को मिलता है। वो अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार को लेकर दिखता है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ होती है और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चौपट किया जा सकता है, ये कांग्रेस के राज्य में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और राजनीति में देखिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के ही बयान को कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ हथियार बना दिया और महाराष्ट्र के चुनाव में उतार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए।